हल्द्वानी में लोग अवैध रूप से बनाए गए कचरा फेंकने और जलाने वाली जगह यानी टंचिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के बात ना सुनने पर लोगों ने मुख्यमंत्री को खत लिखकर इस दिशा में सख्त कदम उठाने की मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दर्जनों लोगों ने अवैध रूप से बनाए गए टंचिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को खत लिखा है। दरअसल हल्द्वानी में पिछले कई साल से वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से टंचिंग ग्राउंड बना रखा है और रोजाना आसपास के क्षेत्र का लाखों टन कचरा यहां पर अवैध रूप से डाला और जलाया जाता है, जिस वजह से लोगों का सांस लेना तक दुभर हो चुका है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि वो इस बारे में कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ दिनों रात जलता है, जबकि आसपास की 50,000 से लेके 1,00,000 जो आबादी है वो यहाँ धुएं और उसकी दुर्गंध से बीमारियों की कगार पर है। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। टंचिंग ग्राउंड में जलने वाले कूड़े से हल्द्वानी और आसपास के इलाके के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल कूड़े में 60% प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ईथेन और मीथेन जैसी कई हानिकारक गैस निकलती है जो स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर डालती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी, सांस की बीमारी जैसे अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियों के होने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, धुएं की वजह से आंखों में बीमारियां होने का खतरा भी होता है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।